नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया के किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर आज से कलमबंद हड़ताल पर। पटवारी संघ की प्रांतीय आह्वान पर तहसील प्रतिपुर के संपूर्ण पटवारियों ने बस्ता जमा कर कलमबंद हड़ताल की घोषणा की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ का चरणबद्ध आंदोलन 50 दिनों से संघर्षरत है। इस दौरान प्रत्येक जिले में एवं प्रत्येक तहसील में पूर्व में अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है ताकि शासन ध्यान देकर उचित मांगों का निराकरण कर दे, लेकिन सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने पटवारी संघ की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे व्यथित एवं मजबूर होकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कलमबंद हड़ताल की घोषणा की है। पटवारी संघ अध्यक्ष का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम कलमबंद हड़ताल जारी रखेंगे। साथ ही पटवारी संघ की निम्न मांगे हैं, ग्रेड पे 2800 किया जाए, नए पटवारी साथियों को स्थानांतरण किया जाए, नए पटवारी साथियों में से बचे हुए साथियों का CPCT से मुक्त किया जाए। इस अवसर पर पटवारी संघ जिला अध्यक्ष माता दीन चतुर्वेदी, तहसील अध्यक्ष भगवत सिंह दांगी सहित संपूर्ण पटवारी उपस्थित रहे। प्रतिपुर से रमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? भगवत सिंह दांगी। अच्छा, किस संबंध में आपने जो कलमबंद हड़ताल की है, क्या मांगे हैं आपकी? मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तहसील प्रतिनिधियों के समस्त साथियों ने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री माता दीन चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में बस्ता जमा करके कलमबंद हड़ताल शुरू की। अच्छा, हमारी प्रदेश व्यापी चरणबद्ध हड़ताल लगभग 52 दिनों से चल रही है, जिसके तारतम्य पूर्व कार्यक्रम अनुसार हम लोगों ने आज बस्ता जमा करके कलमबंद हड़ताल की। और हमारी तीन मांगे हैं, ग्रेड पे 2800 किया जाए, जो हमारी 23-24 साल से लगभग लंबे थे और हम एक ही ग्रेड पे काम कर रहे हैं। दूसरा, नए साथियों को गृह जिला में स्थानांतरण दिया जाए, जिससे कि वह अपने घर पर जाकर परिवार के साथ काम करें और एवं उनकी कार्य में भी गुणवत्ता आएगी और जीवन शैली में बदलाव आएगा, जो सरकार कर सकती है। तीसरी चीज है, नए साथियों में से जो भी बचे हुए साथी हैं उनको CPCT से मुक्त किया जाए। यही तीन मांगे हैं हमारी। पटवारी संघ जिंदाबाद। पटवारी संघ।